दिख रहा है सब? मैं कहाँ दिख रहा हूँ यार? आज हमारा ये पहला क्रिकेट एकेडमी की ओर से पहला क्रिकेट टूर्नामेंट का यहाँ पर प्रारंभ हुआ है। दौरान हमारे बीच दोनों टीम है जिसमें जेडी किंग 11 और फाइनल क्रिकेट एकेडमी, जिसमें पहले बैटिंग करते हुए जेडी किंग ने 75 रन बनाए थे और 76 रन चेस करते हुए बिना विकेट के फाइनल क्रिकेट एकेडमी में ये मैच फाइनल जीता है, तो उसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। सेमीफाइनल्स में दोनों टीमें अच्छा परफॉर्मेंस करके फाइनल में आए, उसके लिए बधाई है दोनों टीम को। तू खाली मैं आर्यन कामनी को देता हूं। दोनों टीम ने कांग्रेचुलेशन। थैंक यू। કાલની મેચ બી સારી હતી અને એમાં બધા પ્લેયરને શીખવા પણ મળ્યું કાલની મેચમાં કે કોઈ પણ ટીમને લાઇટલી નહીં લેવાનું,
काली फाइट सारी होती मारे ख्याल तो अने कॉन्ग्रेचुलेशन साईनाथ क्रिकेट अकादमी हार्ड लक जीडी किंग्स थैंक यू सर। एक मैं रिक्वेस्ट करूंगा कोई अगर दोनों टीम या यहाँ कोई खड़ा है उनमें से कोई बोलना चाहे तो दो शब्द। गुरु सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा साई क्रिकेट एकेडमी के अपने सोहेल सर को जो कि इतने अच्छे टूर्नामेंट के आयोजन किए, इसमें हमारे यंग प्लेयर को खेलने के मौका मिला, बहुत सारे प्लेयर को इसमें खेलते हुए देखा गया, कोई काफी अच्छा खेला। और क्रिकेट कभी भी लाइटली नहीं लेना चाहिए, एक बात तो जो बोले सेफ बोले, हम लोगों ने कल जिस तरह से फाइट करके सेमीफाइनल हरा कर फाइनल में आए बहुत अच्छा लगा हम लोगों को, एक अंदर से जोश दिख रहा था, आक्रोश दिख रहा था। तो क्रिकेट मेंटली स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, क्रिकेट में जो मेंटली स्ट्रांग होते हैं वही खेलते हैं। मेरे जो चार मुद्दे थे वो पांच मुद्दे में किसी ने कोई कुछ बोला नहीं कि क्रिकेट को कैसे प्रमोट करना है, हमारे साथी प्लेयर को कैसे मदद करनी है, आगे कैसे बढ़ना है, तो मैं ही बोल देता हूँ। आपको ये 2020 तक समझ लो कि आप ऊपर के फॉर्मेट का ये टूर्नामेंट है। ये मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर जो जितनी एज है 14, 16, 19 जो फॉर्मेट में बीसीसीआई ने जो डिसाइड किया गया है उस फॉर्मेट में सबको खेलना चाहिए। तो आप लोग सब लोग क्रिकेट में ऐसा नहीं है कि दो दिन हमने खेले और पांच दिन छोड़ दिया, अगर सही में प्लेयर बनना है तो आपको हर रोज 6 घंटा ग्राउंड में देना चाहिए। अगर आप 6 घंटा ग्राउंड में देते हैं तो आप प्लेयर बन पाओगे, वरना आपका प्लेयर बनना मुश्किल रहेगा, क्योंकि बहुत मेहनत करना जरूरी है और बहुत कॉम्पिटिशन है ऊपर, तो आपको मेहनत करना जरूरी है। हम कोशिश करेंगे कि आगे कौन से दूसरे फॉर्मेट में भी टूर्नामेंट ऐसे होते रहे, ऐसा प्लानिंग कर रहे हैं, तो बस मेहनत करो और आगे बढ़ो। प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मैं बगू को रिक्वेस्ट करूंगा कि विनर रनर और बाकी के जो भी डिसाइड करना है, मैन ऑफ द मैच, बैट्समैन, वो सबका अनाउंस कर दे एक बार और उनको ट्रॉफी लेने के लिए बुलाया जाए। बेस्ट बॉलर यश टंडन, बेस्ट बॉलर नहीं नहीं आइए बार बार। मैं रोहन पाटिल को रिक्वेस्ट करूंगा कि बेस्ट बॉलर का अवार्ड इनायत कर। बेस्ट बैट्समैन इस टूर्नामेंट का गोलू सिंह 193 रन, ओ वेरी नाइस वेरी नाइस। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कामली को कि उसको ट्रॉफी इनायत करें। बेस्ट फील्डर तिवारी, प्रणेश तिवारी, वाह वेरी गुड। मैं रिक्वेस्ट करूंगा यश को ये ट्रॉफी इनायत करें। मैन ऑफ द सीरीज जीतू पटेल, सुजल को रिक्वेस्ट करूंगा कि ट्रॉफी इनायत कर। अब रनर सब के कप्तान को रिक्वेस्ट करूंगा कि ट्रॉफी अपनी यहां पर हमारे पास मौजूद कामली और यश टंडेल से वो हासिल करेंगे वहां से।
नहीं नहीं सुजल और पाटिल को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि साइनस क्रिकेट एकेडमी के कप्तान को ट्रॉफी नाइट करें। फोटो पाया नहीं फोटो आपने यहाँ पर अपना ये प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम जो है वो समाप्त करते हैं और एक बार फिर से मैं सारे प्लेयर्स सारी टीम्स सारे कप्तान्स और आपने जो यहाँ पर साथ में ग्राउंड्समैन स्कोरर यूट्यूब में जो हमारे लाइव करने वाले जो सारी टीम है वो खास करके बगू भाई और दाबेल क्रिकेट ग्राउंड भी हमें मिला था उनका भी हम धन्यवाद करेंगे पंचायत का और साथ में भरत भाई ओवरऑल भरत भाई के लिए एक तालियां हो जाए और ओवरऑल धन्यवाद अंपायर्स थैंक यू थैंक यू।